आई एम डिस्गस्टेड टू द कोर राइट नाउ. इट्स जस्ट आई सॉ द उज़्मा खान वीडियो. डिस्गस्टिंग. आई एम अपॉल्ड. दिस इज जस्ट अ हॉरिबल हॉरिबल शो ऑफ पावर बाई द रिच एरोगेंट स्पॉइल्ड. इसका क्या मतलब है कि अगर मेरी कल को किसी लड़ाई होती है तो वो उठ के आ जाएंगे मेरे घर पे और मेरी चीजें तोड़ेंगे और मेरी बहन को जख्मी करेंगे और मेरे पैर से खून निकालेंगे, मुझ पे मिट्टी का तेल फेंकेंगे और वो ठीक होगा क्योंकि मेरी और उनकी लड़ाई हुई है या मेरा उनका कोई मसला है. आई अंडरस्टैंड दे मस्ट बी डर्टी लॉन्ड्री ऑन बोथ साइड. ग्रेट, सही है, समझ आती है. बट दैट डज नॉट गिव यू अ हॉल पास टू इन्वेड देयर हाउस. दिस इज इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी. दिस इज इन्वेजन ऑफ देयर होम. इट्स हरासमेंट. यू आर सो दिस इज असॉल्ट. योर दिस इज अटेम्प्ट टू मर्डर. दीज आर ऑल क्राइम्स. क्राइम्स जिसके लिए आपको जेल में फेंकते हैं या आप पे FIR कटती है. ठीक है. और अगर कोई चोर हमारे घर में आता है, नॉर्मल एग्जाम्पल, नॉर्मल पीपल एग्जाम्पल, ये तो भाई बड़े लोग हैं लेकिन नॉर्मल पीपल एग्जाम्पल, कि अगर आपके घर में चोर आता है वो फोर्सफुली एंटर करता है, आपकी चीजें लेता है या तोड़ता है कुछ या कुछ भी प्रॉपर्टी को डैमेज करता है, पुलिस आती है उसको उठाती है और ले जाती है और वो क्रिमिनल होता है और वो क्राइम होता है. लेकिन क्योंकि ये जो है ये पापा की प्रिंसेस है और इन्होंने वही काम किया लेकिन उससे ज्यादा किया है, उन्होंने आपको हार्म भी किया है, आपके खून भी निकाले हैं, आपकी चीजें भी डिस्ट्रॉय की हैं, लेकिन क्योंकि आप पापा की प्रिंसेस है आपके खिलाफ FIR नहीं दर्ज होगी. उज़्मा खान ने 30 मिनट पहले ट्वीट किया है कि वो Phase 6 के पुलिस स्टेशन में खड़ी हुई है और पुलिस वाले FIR दर्ज नहीं कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि दूसरी पार्टी को अब बुलाएंगे. क्योंकि चलें भाई, अब चलें, ये फैमिली जो है ये तो शायद ये जो फैमिली है ये लॉ से ऊपर है. ये शायद सही और गलत और सच और झूठ से भी ऊपर है कि जब तक वो नहीं कहेंगे तब तक पुलिस वाले कुछ नहीं मानेंगे और कोई FIR दर्ज नहीं होगी और उनके वुंड्स जो है वो हील कर जाएंगे और उसके बाद कहेंगे हाय आपको तो चोट ही नहीं लगी थी. और बड़ी बड़ी ही शेमफुल बात होगी, बहुत ही शेमफुल बात होगी. एंड इट विल रिफ्लेक्ट ऑन ऑल ऑफ अस एज अ नेशन, एज अ कंट्री, अगर उज़्मा खान और उसकी बहन ये वापस ले लें, FIR अगर दर्ज होगी और ये कुछ टाइम बाद ये केस वापस ले लें, डर के इनको अगर थ्रेट किया गया है कुछ किया अगर वापस है, तो शर्म की बात है. और हम सबको शर्म आनी चाहिए कि हमारी कंट्री में ऐसा हो रहा है कि प्रिविलेज, पैसे की प्रिविलेज ऐसी है. अगर आपके पास पैसा है, आप प्रिविलेज्ड हैं, तो यू आर केपेबल ऑफ एनीथिंग. यू आर केपेबल ऑफ एनी काइंड ऑफ इविल. और हम कुछ भी नहीं करेंगे और पुलिस जिसने हमें बचाना है सबसे वो भी कुछ नहीं करेगी. वो आपका इंतजार करेगी. जब तक जिन्होंने इविल किया वो आएंगे नहीं, वो उनका इंतजार करेगी. मैं सिर्फ ये सोचती हूँ वीडियो देखते हुए कि अगर ये दोनों लड़कियां किसी हाई रैंकिंग जनरल की बेटियां होती ना और इनके भी बड़े गार्ड्स बाहर खड़े होते इनको प्रोटेक्ट करने के लिए, तो ये लोग भी शायद दो दफा सोचते कि अगर हम गए ना ऐसे तो हमें भी कुछ पड़ सकती है. लेकिन उन्होंने नहीं सोचा क्योंकि इनके पास उनके उनसे ज्यादा पैसा है और ज्यादा पावर है, तो पैसे की पावर की वजह से बस नहीं किया. और पता है अब बैटल ना इन दोनों के बीच नहीं रहा, उज़्मा की फैमिली और इस फैमिली के बीच में नहीं रहा. अब बैटल पता है कहां चला गया? अब बैटल प्रिविलेज, पैसे और गवर्नमेंट के बीच में. तो अगर हमारी गवर्नमेंट को लगता है कि ये लोग लॉ से ऊपर नहीं है और हर इंसान बराबर है और क्राइम हर किसी के लिए एक जितना होता है और पापा की प्रिंसेस फेवरेट नहीं है गवर्नमेंट की, तो बिल्कुल उनको भी जेल में डाल दें, उनके ऊपर भी FIR काटे और Phase 6 में जो FIR नहीं काटे उसको बोले कि अभी FIR काटे. और अगर हाँ तो फिर हम भी रिकंसिडर करेंगे यहां पे रहना कि अच्छा हमारी किसी तरीके से अगर ऐसा कुछ फैसला हुआ ना कि पापा की प्रिंसेस नहीं जाएगी जेल, ठीक है, अगर ऐसा कुछ फैसला हुआ ना तो भाई हमें भी समझ आ जाएगी कि हमारी जो गवर्नमेंट है ना इसने हमारे लिए कुछ नहीं करना. वी आर नॉट सेफ इन आवर ओन कंट्री. तो भाई दिस बैटल इज बिटवीन दिस फैमिली एंड इट्स ऑन द गवर्नमेंट नाउ टू डू इट बिकॉज सारा एविडेंस सामने. और शर्म आनी चाहिए पुलिस वालों को अगर ये FIR ये सब देखने के बाद भी दर्ज नहीं कर रहे हैं. एंड आई थिंक एवरीबडी हु शेमिंग दिस वुमेन, खुदा का वास्ता यार, जो घर के मामले हैं उनको पीछे छोड़ दो. और ये दिस इज बिगर